14 अगस्त को जागरण परिवार के 80वें जन्म दिवस के मौके पर जागरण कार्यालय से बस द्वारा रज कलश यात्रा व 80 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा जागरण परिवार की पुस्तैनी जन्मभूमि कालपी से रज एकत्रित कर यात्रा उरई जालौन व 8 से होते हुए झांसी पहुंचेगी। जागरण परिवार सर्वप्रथम अपनी जन्मभूमि कालपी में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली, जहाँ पर उनकी पुस्तैनी जमीन पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम व बांसुरी बंधन की प्रस्तुति हुई। इस जागरण परिवार की तिरंगा यात्रा कालपी उरई जालौन 8 में भी निकाली जाएगी। मुझे लगा सुरेंद्र सिंह जी ने निश्चित रूप से कालपी के बारे में कुछ अच्छा ही बताया होगा, तो आज भाभी जी भी साथ आई हैं कालपी देखने के लिए, उनका भी अभिनंदन। ये निश्चित तौर पर बताता है कि उन्होंने रिपोर्ट कालपी की अच्छी दी है। जागरण परिवार के सदस्य मनोज कुमारी जी भी आज आमंत्रित हुए हैं, उनको अभी मैं स्वागत करता हूं। परिवार सदस्य हैं, जागरण की तीसरी और चौथी पीढ़ी ने भी कालपी के साथ अपने संबंध को बनाए रखा है, उसका उदाहरण आज की यह यात्रा है। जागरण के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, लेकिन विशेष बात यह है कि आज कालपी की मिट्टी को वहां लेके जाना है। ये प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं जड़ें जुड़ी हुई हैं कालपी की मिट्टी के साथ। मुझे भी लंबा समय हो गया है, यह देख के अच्छा लगा कि कालपी से मिट्टी जागरण में जाती भी है और जागरण से मिट्टी लौट के कालपी आती भी है। यह भी जागरण का इतिहास रहा है, इसलिए सिर्फ आप ये याद दिलाते रहिए कालपी के लोगों को कि जागरण आपका है। कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन और झांसी तो आपके बहुत गए मुक्ता काशी में तो बहुत अनेक बात रणजी दुबे थे स्तुति कक्कर डॉ वर्मा कमिश्नर आई डी आई जी अमरदत्त मिश्रा बहुत पुराने बहुत आप लोगों का बड़ा स्नेह प्रेम लगा बस सम्मान मिला बाह वाले का बाह अभी गए थे कमिश्नर सामने बुलाया था प्रियंका ने वो डीएम थी।
यात्रा है जागरण के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, लेकिन विशेष बात यह है कि आज कालपी की मिट्टी को वहां लेके जाना है। ये प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं जड़े जुड़ी हुई है कालपी की मिट्टी के साथ। मुझे भी लंबा समय हो गया है, यह देख के अच्छा लगा कि कालपी से मिट्टी जागरण में जाती हुई है और जागरण से मिट्टी लौट के कालपी आती हुई है। यह भी जागरण का इतिहास रहा है, इसलिए सिर्फ